इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। नाज़रीन आदाब, इत्तेहाद न्यूज़ की स्पेशल पेशकश में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करते हैं कोरोना महामारी से मुस्तकबिल यानी फ्यूचर के लिए सीख। पिछले 1.5 साल से देश और दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। इतनी तरक्की के बावजूद इंसान बेबस नज़र आ रहा है। कहीं अस्पताल में बेड नहीं है तो कहीं ऑक्सीजन की किल्लत। महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया जाता है तो अवाम परेशान। रोज़ाना 2 वक्त की रोटी कमाने वालों के लिए फाके और भूखमरी के हालात। बीमारी इस तरह की जिसका इलाज तक नहीं पता, वो भी उस दौर में जिस दौर में इंसान चांद और मार्स तक पहुंच चुका है। ऐसे ऐसे इजादात का दौर जिसकी कई साल पहले कल्पना भी न की गई हो। ऐसे तरक्की याफ्ता दौर में एक महामारी की वजह से देश और दुनिया में इतनी हड़कंप के इंसान को सोचने पर मजबूर कर रही है। अगर कुछ साल पहले ये कहा जाता और आज के कोरोना पैंडेमिक के हालात बयान किए जाते तो कोई भी ये मानने को तैयार नहीं होता। लेकिन याद रखिए, इंसान कितने भी तरक्की कर ले पर कुदरत से आगे नहीं जा सकता। आज हम देख रहे हैं कि कुदरत के सामने सारी की सारी साइंटिफिक रिसर्च तरक्की धरी की धरी रह गई है। सिर्फ साइंस की बात करने वाले कुदरत के आगे आज बेबस नजर आ रहे हैं। साइंटिफिक तरक्की तो हमने कर ली पर जहनी तौर पर आज जैसे हालात के लिए हम तैयार नहीं थे। लोग बीमारी से कम बल्कि डर और खौफ से ज्यादा मर रहे हैं, क्योंकि हमारी नशुनुमा इस तरह की नहीं हुई कि हम आज जैसे हालात का मुकाबला कर सकें। जिस तरह की अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशनगोयां की हैं, हम उन हालात का कैसे मुकाबला कर सकते हैं? आज जब हम लॉकडाउन की वजह से घरों में बंद हैं, जिसको हम झेल नहीं पा रहे, तो सोचो कि दज्जाल के नजूल के बाद हम कैसे अपने ईमान को बचाने के लिए कैसे अपने आप को जंगल में ले जाकर आइसोलेट कर पाएंगे। उस वक्त का 1 दिन 1 साल का होगा। एक दौर ऐसा भी आएगा कि सारी दुनिया में खाने पीने की चीज़ों से लोग महरूम हो जाएंगे। सारी ट्रांसपोर्ट की जदीद सहूलियत इस्तेमाल के लायक नहीं रहेगी और मजबूरन घोड़ा ही रहेगा इस्तेमाल के लिए। खैर, पेशनगोइयां तो बहुत हैं जो आगे आगे बनीनु इंसान की समझ में आती जाएंगी, और मैं समझता हूँ कि ये कोरोना महामारी का दौर आगे आने वाली पेशनगोइयों को समझने में आसानी करेगा। हम अब तक अच्छे खान पान ऐश व आराइश के आदि थे, अब सादी गिजा और सादी आराइश की भी आदत डालनी पड़ेगी, ताकि हम और हमारी आने वाली नस्ल आगे आने वाले गंभीर हालात का मुकाबला कर सकें। आज हमने देखा कि दौलतमंदों की दौलत भी उनके लिए काम नहीं आ सकी, क्योंकि जहनी और जिस्मानी तौर पर इन हालात के लिए वो तैयार नहीं थे। इसलिए हमें चाहिए कि हम जहनी तौर पर तैयार रहें और जिस्मानी तौर पर भी अपने आप को मजबूत बनाएं। जिस्मानी तौर पर मतलब डोले शोले ही नहीं, बल्कि अंदर से स्टामिना मजबूत करना होगा, ताकि वक्त आने पर घास भी खाना पड़े तो हजम कर सकें। खैर, हमें चाहिए कि जब कभी भी हालात आए तो चाहिए कि उन हालात का मजबूती से डट कर मुकाबला करें और आने वाले ख़तरनाक से ख़तरनाक हालात के लिए मुकाबले के लिए तैयार रहें। आज के लिए बस इतना ही। आगे देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।